भगवान की तरह पूछते हैं, भगवान की तरह अपने पावर स्टार पवन सिंह को उनकी प्यारी जनता। दोस्तों इसका प्रूफ आप ये देख लीजिए, अभी हाल ही में अपने पावर स्टार पवन सिंह ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम दोस्तों पोस्ट डाली है, पूछे पवनवा ए माई, ये गाना इनका आने वाला। दोस्तों आई थिंक ये नवरात्रों को लेकर गाना आने वाला, उम्मीद है कि 1 या 2 अक्टूबर को गाना आ जाएगा। इसको खुद पवन सिंह ने गाया दोस्तों, एंड इसको फीमेल आवाज़ दी है चांदनी सिंह ने। मेन बात क्या दोस्तों, यह गाना रिकॉर्ड होके इसको ऑफिशियली यूट्यूब पे डाल दिया गया स्केड्यूल करके, यानी इसका टाइमर सेट कर दिया कि इसको 2 अक्टूबर को ऑफिशियली रिलीज कर देंगे। एंड इसमें दोस्तों देखने की बात यह किसने 1.2 लाख लाइक्स ले लिए हैं पोस्ट पे, एंड 5000 कमेंट एंड 2000 के आसपास इसको शेयर मिल चुके हैं, एंड जनता का प्यार देखो कमेंट सेक्शन में। जय हो गुरुजी, जय हो देवी मैया, जय बॉस वेलकम, जय माता दी हाथ जोड़ के लव का सिंबल, जय माता दी जय हो, कितना पारिक वारिक इनके डाई हार्ड हम्बल दोस्तों, बिल्कुल स्वीट फैन बेस है। और कुछ स्टार होता तो अभी भी यहाँ पे गाली गलौज कर रहे होते। अब दोस्तों बात करते हैं इनकी फिल्म अगस्त के महीने में आई थी सूर्या वंशम, उसकी डे 25 की वर्किंग डे सोमवार की बॉक्स ऑफिस की कमाई को लेकर दोस्तों, इसने दोस्तों PVR प्लस आईनॉक्स में कमाई है 10,33,000, एंड कुल शो लगाए 107, टिकटें बेची 2,339 के आसपास। इसने सिनेपोलिस में दोस्तों 2.2 लाख की कमाई करके 16 शो लगा के 800 टिकटें बेची थी। इसने कुल कमाई कर ली है PVR आईनॉक्स को मिला के दोस्तों 12.6 लाख की, एंड इसने दोस्तों कुल शो लगाए 123 एंड टिकटें बेची हैं 3139 के आसपास। इसके चलते इसका दोस्तों इंडिया ग्रोस की कमाई निकल के आती है 17 लाख की, एंड इंडिया की नेट कमाई निकल के आती है 14.5 लाख की दोस्तों, एंड इसने 72% की ऑक्यूपेंसी मारी थी, एंड 13,763 इसने टिकटें बेच के 145 मात्र शो लगाए थे बिहार झारखंड यूपी अपने दिल्ली NCR में मुंबई में गुजरात में हरियाणा में MP में एंड कोलकाता में चंडीगढ़ में, इसके जगह जगह हर एक स्टेट में कुछ कुछ शो लगते हैं दोस्तों, एंड बढ़िया बढ़िया ऑक्यूपेंसी निकल के आ जाती है। अब इसके साथ दोस्तों फिल्म ने अपने 3 हफ्ते के अंदर कमा डाले हैं डे 1 से लेकर डे 21 तक दोस्तों, बुकिंग में 11 लाख इंडिया नेट 5 करोड़ एंड ग्रोथ 6 करोड़ तक। इसका डे 22 दोस्तों इंडिया नेट 10 लाख, डे 23 था इसका 65 लाख, डे 24 था 76 लाख, संडे था एंड डे 25 पे 13,000 की बुकिंग करके कमाई इंडिया नेट 14.5 लाख एंड ग्रोथ 17 लाख। अब इसको 25 डेज कंप्लीट होने के बाद दोस्तों इसका डे 26 से मंगलवार का दिन स्टार्ट हो चुका है, इसने 10,000 की बुकिंग कर ली है, ये कमा सकती है 12 लाख तक इंडिया नेट एंड ग्रोस 15 लाख तक दोस्तों। इसकी फिर डे 1 से लेकर डे 26 की कुल कमाई निकल के आएगी बॉक्स ऑफिस पे 26 दिन के अंदर कारोबार करती फिल्म बुकिंग के अंदर 13,90,000 का, इंडिया नेट कमा लेगी 6,98,00,000, इंडिया ग्रोस कमा लेगी 8,08,00,000 तक, एंड फिल्म का दोस्तों मात्र बजट था 3 करोड़, इसने हिट का टैग ले लिया है, इसने सुपर हिट का टैग ले लिया। अब इसका अगला दोस्तों एम है, लक्ष्य है ब्लॉकबस्टर जो कि है 10 करोड़ तक, वो आराम से 1 हफ्ते में कमा लेगी। इसका दोस्तों आखिरी लक्ष्य होगा ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का जो कि है 15 करोड़ तक। आपको लगता है कमा पाएगी हाँ या ना, आप हमें कमेंट बता दीजिए। बाय गाइस, टेक केयर।